नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपको बताने जा रहे हैं रोहित शर्मा ने किस वक्त को सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना है इस टेस्ट मैच में, यानी अब जो होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया प्रैक्टिस लगातार कर रही है। उन्हें पता चल रहा है कि पिंक बॉल को साइड करना सबसे ज्यादा मुश्किल से भरा कब हो जाता है। वो ट्वाइलाइट सेशन की बात कर रहे हैं, जब सूरज ढल चुका होता है और शाम से दरअसल रात का पहर शुरू होने वाला होता है, उस वक्त पे गुलाबी गेंद को साइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस मैदान की खासियत क्या है कि इसमें फ्लड लाइट्स नहीं है, इसमें एलईडी लाइट्स हैं, यानी कि टेरेस के सरफेस पे ही लाइट्स लगी हुई हैं। इस तरह से अगर आप देखें कि स्टेडियम की जो छत है वो इस तरह के आर्क में बनी हुई है और इसी के एजेस पे जो है वो लाइट्स लगी हुई हैं, यानी वो जो फ्लड लाइट्स से शेडोज बनती थी वो नहीं बनेंगी, क्योंकि लाइट सीधी नहीं जा रही है, लाइट इस तरह से जा रही है। तो इसका एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्रिकेटर्स को। और जिस तरह से हीट बहुत ज़्यादा मैदान पर हो जाती थी वो भी क्योंकि लाइट्स की वजह से होती थी, क्योंकि आपको जो पिलर्स थे वो थोड़े से नीचे लगाने पड़ते थे, उस तरह की चीज़ भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रोहित शर्मा ने कही है कि जो शाम का वक्त होगा वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उससे बचने के लिए फिलहाल टीम इंडिया लगातार तैयारियां कर रही है किस तरह से उस वक्त पे संभल कर खेलना है। क्योंकि देखिए, पूरा एक सेशन जो होगा वो दोपहर के समय पर होगा, गर्मी उस वक्त पे ज़्यादा होगी क्योंकि पश्चिमी हिस्से में हिंदुस्तान की गर्मी लगातार होने लगी है। और इन सारी चीज़ों के बीच आप एक चीज़ और देखेंगे कि कैसे जो है एक सेशन आपको जो खेलना है वो पूरा वही ट्वाइलाइट वाला समय होगा, और दूसरा आखिरी जो सेशन आपको खेलना है वो पूरा रात का सेशन होगा। तो तीन अलग अलग लाइटिंग्स में आपको बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है, क्रिकेट खेलना है, ओवरऑल तीन अलग अलग लाइटिंग्स में। इस पे सबसे चुनौतीपूर्ण बीच वाला वक्त होने वाला है और इसके लिए टीम इंडिया लगातार तैयारी कर रही है, ये रोहित शर्मा का कहना है। उनका ये भी कहना है कि यही वक्त अगर हमने सही तरीके से निकाल लिया तो टेस्ट मैच में उनका अपर हैंड जरूर रहेगा। हालांकि वो एडिलेड टेस्ट में नहीं खेले थे, आपको तो पता है, और उससे पहले उन्होंने अभी तक सिर्फ पिंक बॉल के साथ एक ही टेस्ट मैच खेला है, जो कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था ईडन गार्डन्स में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।